आलम इस्लाम को जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बहुत मुबारक हो। आका अलैहिस्सलाम की विलादत का ये महीना है। इस माह में मैं नौजवानों से, अपने भाइयों से गुजारिश करूँगा कि जुलूस मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शिरकत फरमाएं, लेकिन कैसे, अदब के दायरे में, तहज़ीब के दायरे में। आका अलैहिस्सलाम की विलादत का ये मुक़द्दस महीना है। जुलूस के मौके पर जो हमारे भाई गैर शरई काम कर जाते हैं, म्यूज़िक के साथ नातिया कलाम लगा देते हैं या शोर शराबे वाले कलाम लगा देते हैं और बहुत उछल कूद करते हैं, ज़रा गौर फरमाएं, जिस नबी ने हमें इन चीज़ों से रोका है, उसी नबी की विलादत के मौके पर अगर हम ये काम करेंगे तो क्या हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे खुश हो जाएंगे? नहीं हो सकते ना। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराई को ख़त्म करने के लिए दुनिया में तशरीफ़ लाए, आज हम उन्हीं के नाम पर इस तरीके के काम करेंगे तो यकीनन हमारे नबी हमसे नाराज़ होंगे। और जो लंगर तकसीम करने वाले हैं, शीरनी तकसीम करने वाले हैं, उनसे भी गुजारिश है कि शीरनी लंगर अदब के दायरे में दें। कुछ हमारे भाई लंगर जो है वो लुटा के देते हैं, बिस्किट के पैकेट लुटा के देते हैं, नमकीन के पैकेट जो है वो फेंक के देते हैं, और लूटने वाले भी यानी लंगर खाने वाले भी इतने भूखे होते हैं कि उन्हें तहजीब का पता ही नहीं होता है। अगर मिले इज्जत के साथ तो आप ले लीजिए, ना मिले तो कोई ज़रूरत नहीं है। लंगर खाना फ़र्ज़ वाजिब नहीं है, मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो खामोशी के साथ निकल जाएं, और जब मिल जाए तो बैठ के खाएँ, बैठ कर पिएँ, अदब के दायरे में। हर चीज़ अदब के दायरे में जब होगा तो गैर लोग भी हमें देखेंगे और कहेंगे यकीनन ये अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये मुक़द्दस महीना है। इस माह में इस्लामिक लिबास पहन के शामिल हों, सर पे अमामा शरीफ आपके हो, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरूद आपके लब पर जारी हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दरूद सलाम पेश करते हुए जाएं, अदब के दायरे में जाएं। कोई ऐसा काम ना हो कि लोग मुसलमानों पर कमेंट करें कि ये देखो अपने नबी का जुलूस निकाल रहे हैं और इनके अंदर अदब के नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आ।